समय पूरे भारत में केवल एक ही मूवी की चर्चाएं हो रही हैं। आप देश को जानकर समझ ही गए होंगे मैं किस मूवी की बात कर रहा हूँ। लगातार पूरे भारत में यह मूवी विरोधाभास झेल रही है। हम बात कर रहे हैं आदि पुरुष की। यहाँ इस फिल्म में दर्शाए गए कई सीन ऐसे हैं जिन पर नाम तो रामायण का दिया गया है और आदि पुरुष का दिया गया है, लेकिन उसमें सोचने वाली बात यह है कि उसमें कई कर्तव्य ऐसे हैं जिन्हें सही तरीके से फिल्माए नहीं गए हैं और उनमें बोलने की भी गलती की गई है। तो हमारे साथ में हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक मौजूद है, हम सीधा उन्हीं से बात करेंगे आखिर इस मूवी को लेकर विरोधाभास क्यों हो रहा है और ऐसा क्या फिल्माया गया है। तो हमारे साथ में हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक मौजूद है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो हिंदुस्तान के लिए आपका जय श्री राम। जैसे कि आप तो देख रहे हैं कि मूवी है, इसको लगातार विरोध झेलना पड़ रहा है, तो इसमें ऐसी क्या चीज़ें हैं जो विरोध करने लायक हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, बॉलीवुड का एक माइंड सेट हो चुका है कि हमें हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना है व हिंदुओं की भावनाओं को आहत करना है। आप पिछले कई दिनों से देख रहे हैं जो भी मूवियाँ आती हैं वो हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला कोई ना कोई विषय उनमें अवश्य होता है। अब रही बात आदि पुरुष की, तो आदि पुरुष में उन्होंने कहा है कि ये आदि पुरुष है, ये रामायण नहीं है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब ये आदि पुरुष है तो इसका जो आपने मैटर लिया है वो हमारे रामायण प्रभु श्री राम के ऊपर क्यों लिया है? आपके ऊपर, आपके लिए बहुत सारे विषय थे, बहुत सारी संस्कृतियाँ थीं, आप उन पर भी वो फिल्मा सकते थे, लेकिन जब आपने रामायण पर पूरा विषय लिया, पूरी फिल्म बनाई, तो आपको उस रामायण को, रामचरितमानस को अवश्य पढ़ने की आवश्यकता थी। अगर आप उसको पढ़ते, उसका अध्ययन करते, तो जो समस्याएं अभी आ रही हैं, जो विरोध आदि पर उसको झेलना पड़ रहा है, वो बिल्कुल भी नहीं झेलना पड़ता। वह ये फिल्म आज जो फ्लॉप हो रही है, ये फिल्म पूरे इंडिया में व पूरे विश्व में हिट होती, क्योंकि हमारे प्रभु श्री राम ने हमको मर्यादा में रहना सिखाया है। उन्होंने सिखाया है कि हमें जीवन किस प्रकार से जिया जाता है। इसीलिए मैं उन कलाकारों से कहना चाहता हूँ जो आपने ये विचारधारा हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने की सेट की है, इसको बदलना होगा, अन्यथा आपको कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। हॉलीवुड हो या फिर वो कोई भी फिल्मी दुनिया हो, हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान किसी नहीं करेंगे। लगातार देखा जाता है कई बार हिंदुओं को टारगेट मूवी में लेकर ही ऐसे दृश्य दिखाए जाते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि राजपूतों की फिल्म पर अगर गलत दृश्य हुए हैं तो वो मूवी आज तक रिलीज ही नहीं हो पाई है। लेकिन जहाँ तक देखा जाता है हमारे हिंदुओं के रामायण जैसी मूवियों को लेकर अगर फिल्माई जाती है तो रिलीज भी हो जाती है। आदि पुरुष भी रिलीज हो चुकी है, तो क्या हिंदू इतना कमज़ोर है कि इस मूवी को थिएटर में लगवा दिया और इसका विरोध भी सामने नहीं आया? क्या कहना चाहेंगे? हिंदू, पहले तो मैं बता दूँ, हिंदू कमज़ोर नहीं है। हिंदू एक ऐसी संस्कृति है, सनातन एक ऐसी संस्कृति है, भारत एक ऐसा देश है, यहाँ पर हम सारी चीज़ों को आदिकाल से लेकर अब तक बर्दाश्त करते आए हैं, पर अब बर्दाश्त करने की जो हमारी क्षमता है वो ख़त्म हो गई है। इसीलिए मैं इन बॉलीवुड वालों से कहना चाहता हूँ कि अब जो आदि पुरुष मूवी है उसका विरोध भी हो रहा है और ये फिल्म फ्लॉप भी हो चुकी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये फिल्म जिस तरीके से इन्होंने इसमें जितना पैसा लगाया उसका आधा पैसा भी अभी तक ये फिल्म नहीं निकाल पाई है, तो ये फिल्म पूरी तरीके से फ्लॉप है। चूँकि जो अभी इतना पैसा इसने कमाया है वो सिर्फ इसीलिए कमाया है कि वो लोग ये देख रहे हैं कि इसमें गलत क्या है। मात्र ये जो फिल्म लोग देख रहे हैं वो सिर्फ इसीलिए देख रहे हैं, हमारे देवी देवताओं को इन्होंने जो गलत तरीके से दर्शाया उसको देख रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। अभी तक जो अभी विरोध के जो विषय हैं, जो डायलॉग हैं, वो आए थे, वो इन्होंने पहले रिलीज़ नहीं किए थे। अगर ये पहले रिलीज़ हो जाते तो इसका पुरजोर विरोध होता और ना ही ये टॉकीज़ों में लग पाती।
जहाँ तक डायरेक्टर की बात करें, डायरेक्टर फिल्म को लेकर विनती कर रहे हैं, बड़े बड़े मंचों से इस पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि टॉकीज में मूवी लगाई गई है, तो आप एक सीट को जरूर छोड़ें जिससे कि हनुमान जी आके बैठ के देखेंगे। क्या आपको लगता है ऐसे दुष्प्रभाव फैलाने वाली मूवी को हमारे हनुमान जी देखने के लिए आएंगे? बिल्कुल, हनुमान जी की जगह हमारी हिंदू सेना वहाँ देखने को भी जा रही है। और अगर ये डायरेक्टर कहीं हमें मिलते हैं तो जिस तरीके से हनुमान जी ने लंका को जलाया था, हम भी इन डायरेक्टरों की डायरेक्टरी जलाने का काम करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे कि आप देख रहे थे, हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक हमारे साथ अभी बातचीत में जुड़े हुए थे और लगातार इस फिल्म को लेकर मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी इसका विरोध जताया है और उन्होंने कलाकारों को इसमें आपत्तिजनक सीन को हटाने की बात कही है। नहीं तो उन्होंने कहा अगर सीन नहीं हटाए जाते हैं तो कार्रवाई होगी। दतिया से पंकज, कैमरा पर्सन पंकज के साथ संगम कुशवाहा, हिंदुस्तान टुडे। हिंदुस्तान टुडे की खबरों के साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए हिंदुस्तान टुडे। हिंदुस्तान टुडे, जनता की आवाज़।